हाय दोस्तों, मैं नवनीत यादव आज के इस सेगमेंट में आपको बताने वाला हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पेज लेआउट के टैब के बारे में। आइए दोस्तों देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पेज लेआउट के टैब के बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ पे पेज लेआउट हमारा टैब है। इस पेज लेआउट के टैब के अंतर्गत आप कमांड देख सकते हैं। यहाँ पे स्टेप फर्स्ट हमारा थीम्स, पेज सेटअप, स्केल टू फिट, सीट ऑप्शन, अरेंज। दोस्तों मैं आपको एक एक करके सभी कमांड के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम थीम इफेक्ट को देखते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सब थीम इफेक्ट है। यहाँ पे मैंने इस टेबल को रेंज को सिलेक्ट किया। जो फॉर्मेट यहाँ से इफेक्ट रखना चाहते हो दोस्तों, यहाँ से कोई भी इफेक्ट आप लागू कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे चूज किया। साथ ही साथ दोस्तों आपने देखा थीम इफेक्ट किस तरीके से लागू होता है। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं पेज सेटअप के बारे में। जी हाँ, पेज सेटअप हमारा दूसरा स्टेप है, यानी ग्रुप बी हमारा है। पेज सेटअप ग्रुप में दोस्तों फर्स्ट मेरा जो ऑप्शन है वो मार्जिन। अब आप देख सकते हैं जो पेज हम प्रिंट करना चाहते हैं उसकी मार्जिन को सेट करना है। जैसे ये हमने टेबल को सिलेक्ट किया और टेबल को हमने अनसिलेक्ट करके इसके बाद हम पेज को सेटिंग करना चाहते हैं। इसके लिए हमको मार्जिन सेट करना होगा। आप यहाँ पे जाइए कस्टम मार्जिन। तो आप यहाँ पे देख सकते दोस्तों ये हमारा मार्जिन है। जैसे आप हमारा जो लेफ्ट का मार्जिन है वो आपका 1.8 है और जो टॉप का मार्जिन है 1.9। इसी तरीके से हमारा राइट का जो मार्जिन है वो 1.8 है और बॉटम के जो मार्जिन है 1.9 है। तो आप यहाँ पे दोस्तों आप जैसे आप चाहते हैं पेज को हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं या वर्टिकली आप चूज़ कर सकते हैं। ये सेंटर आप पेज का दिया है। और साथ ही साथ दोस्तों आप यहां से मार्जिन, हमने देखिए पेज की सेटिंग आप कर सकते हैं जो ऑलरेडी एडजस्ट हुआ है। आप यहां से पेपर साइज भी चूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहां पे सीट, हम पेज पे आपने देख लिया मार्जिन हमने सेटिंग करने की बात किया। आप यहां से मार्जिन, सभी का मार्जिन मैंने इक्वल किया। इस तरीके से आप मार्जिन सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद ये आप मार्जिन इतना सेटिंग करना चाहते हैं। साथ ही साथ में पेज ओरिएंटेशन, आप पेज को कैसा आप देखना चाहते हैं, किस टाइप का प्रिंट करना चाहते हैं, इसके लिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा पेज पोर्ट्रेट और ये हमारा लैंडस्केप है। जी हाँ दोस्तों, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आप इस थीम से भी देख सकते हैं कि पोर्ट्रेट हमारा जो पेज होता है इस तरीके से होता है, जिसे हम वर्टिकली भी कर सकते हैं अदर वर्ड्स में, वही हमारा जो लैंडस्केप होता है उसको आप हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जिस तरीके से हमारा ये थीम दिखाई दे रहा है आपको, उस तरीके से हमारा ये पोर्ट्रेट का पेज ऐसा होता है, वही मेरा जो लैंडस्केप का होता है वो हॉरिजॉन्टली आप देख सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों ये हमारा पेज ओरिएंटेशन है। आप अगर आप इसे स्विच कर देते हैं पोर्ट्रेट को तो लैंडस्केप मोड पे आ जाएगा और वापस पोर्ट्रेट करेंगे तो हमारा पोर्ट्रेट मोड पे हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों ये हमारा पेज साइज़ है। तो पेज साइज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो मेरा नॉर्मल यानी डिफ़ॉल्ट साइज़ पेज होता होता आप देख सकते हैं यहाँ पे A4 साइज। इसके साथ ही साथ दोस्तों अगर आप पेज की कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो आप इसमें से कोई भी साइज़ को चूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं प्रिंट एरिया। जी दोस्तों, आप इस शीट में जो टेबल बनाते हैं यानी जो रिपोर्ट आप इस शीट में बनाते हैं, अगर आप चाहते हैं हम उतनी ही एरिया को प्रिंट करें जितना हमने टेबल में इनपुट किया है। जैसे आप चाहते हैं कि हमने बनाया गया हमारा टेबल, अब इस एरिया को हम चाहते हैं दोस्तों प्रिंट करना, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सेट प्रिंट एरिया, यानी आप प्रिंट एरिया को सेट कर लीजिए। अब इस एरिया को सेट करने के बाद दोस्तों आपको
यहाँ पे देखिए, अगर आप चाहते हैं रिमूव ब्रेक वगैरह, आप रीसेट ऑल पेज ब्रेक जो अगर लगा हुआ तो यहाँ से रीसेट हो जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों हम इसमें बैकग्राउंड भी फिल कर सकते हैं। बैकग्राउंड फिल करने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे एक इमेज को इंसर्ट किया, सीधा सीधा हमारा पूरा पेज पे आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये था हमारा बैकग्राउंड का पेज। आप देख सकते हैं हमने शीट पे बैकग्राउंड को फिल किया। इसके साथ दोस्तों यहाँ पे आपने देखा मैंने बैकग्राउंड को किस तरीके से स्विच किया। आप इसके अलावा भी अगर आप दूसरा कोई इमेज अगर अर्ली हो तो यहाँ से भी आप दूसरा इमेज भी फिल कर सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों इस तरीके से हमने देखा आपको टेबल को मॉडिफाई के साथ साथ हमने बैकग्राउंड को भी फिल किया। ये था हमारा बैकग्राउंड दोस्तों। अब इसके बाद आप जो टेबल को प्रिंट करना चाहते हैं, आपने एरिया को सेट किया। अब साथ ही साथ दोस्तों हम चाहते हैं इस टाइटल को भी सेट करें। जी हाँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा हीडर पॉइंट है। अगर आप कस्टमाइज हीडर करना चाहते हैं तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में सेंटर या राइट, यहाँ पर जो भी कस्टमाइज़ करेंगे वो हमारा साइड में प्रिंटर दिखेगा। बट दोस्तों यहाँ पे हमको जो करना है वो करना है प्रिंट एरिया को सेट करना। तो इसके लिए दोस्तों अगर आप चाहते हैं यहाँ पे जो हमारा लाइनिंग दिखाई दे रहा है आप उसके साथ प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एरिया को चूज़ करें, और ब्लैक एंड वाइट लेना चाहते हैं ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं, या ड्रॉप क्वालिटी करना चाहते हैं बट हम यहाँ पर रो एंड कॉलम हेडिंग के साथ चाहिए तो आप यहाँ पर एक बार चेक कर सकते हैं। तो आप देखिए दोस्तों मेरे वही एरिया आ रहा है जितने एरिया को हमने सेलेक्ट किया था। मैं जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं जिस एरिया को मैंने सेट किया था वापस हमारा वो सभी एरिया इसके अंतर्गत आ रहा है दोस्तों। तो बट ये मेरा यहाँ से कटाव हो रहा है, तो इसके लिए हमको क्या करना है दोस्तों, इसको थोड़ा सा मार्जिन कम करें। अब वापस से मैं उसी एरिया में जाता हूँ प्रिंट एरिया में, आप यहाँ से प्रिंट से चेक करें, आप देख सकते हैं मेरा ये 100 तक आ गया। तो दोस्तों ये हमारा जो नंबरिंग आप देख सकते हैं हमारा ये रो की संख्या, और ये हमारा जो ABCD हमारे कॉलम की संख्या। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा हमने किस तरीके से बैकग्राउंड लगाया। और मैं बैकग्राउंड फिर से रिमूव करता हूँ, वापस मैं कलर टेक्स्ट का कलर मैंने चेंज किया। और साथ ही साथ में दोस्तों मैंने आपको देखा पेज लेआउट के बारे में, प्रिंट एरिया और पेज ब्रेक और बैकग्राउंड के बारे में, और साथ ही साथ मैंने टाइटल के बारे में बताया। यदि आपको हेडिंग की आवश्यकता नहीं, आप हेडिंग चाहते हैं हम यहाँ पर रो कॉलम हेडिंग हमको ना प्रिंटिंग करना, तो इसके लिए आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से वापस मैं देख सकता हूँ, तो आप उतना एरिया को जिस एरिया का आपने सेलेक्ट किया था वो एरिया आप प्रिंट कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा बैकग्राउंड और प्रिंट टाइटल्स। तो साथ ही साथ में दोस्तों ये जो हमारा पेज की साइज़ होता है, आपके पेज की जो चौड़ाई है उसकी हाइट वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। जैसे पेज वन करेंगे तो आप सिंगल पेज पर आ जाएंगे, पेज टू करेंगे तो पेज टू मोड पे हो जाएगा हमारा, ये हमारा ऑटो मोड पे है। लेडी हाइट भी स्केल है, आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे कि जो पेज की हमारी प्रिंटिंग है उसका जो स्केल है तो वो आप कम कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे कम करके वापस हम प्रिंट एरिया आपको दिखाना चाहते हैं यहाँ से, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा जो पेज की मार्जिन स्केल है उसको हमने ऐड कर दिया। तो शॉर्ट करने से दोस्तों इस तरीके से हमारा यहाँ पर स्टम मार्जिन बच गया। तो इस तरीके से वापस हम 100 कर देते हैं, ये हमारा नॉर्मल साइज़ है दोस्तों। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं हमारे पुश टेबल के अंदर रो कॉलम ही भी प्रेजेंट दिखाई दे रहा है। बट आप चाहते हैं दोस्तों ये सीट ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसके अंदर ग्रिड लाइन हेडिंग्स आप चाहते हैं कि ये हमारा व्यू, यहाँ से ग्रिड लाइन मैंने यहाँ से हटाया। अब आप वापस देखिए जो मेरा साइड का है ऑलरेडी यहाँ पर हमारा आ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ये ग्रिड लाइन का ऑप्शन है, आप चाहते हैं प्रिंट के दौरान ये भी हमारा अप्लीकेबल हो तो आप यहाँ से प्रिंटिंग कर सकते हैं। आप देखिए मैंने यहाँ से जो चेक किया आप देख सकते हैं वापस से मेरा रो और कॉलम की हेडिंग भी साथ में प्रिंट आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा स्केल टू फिट सीट ऑप्शन। अब चलते हैं दोस्तों हम अगले ग्रुप के बारे में, वो हमारा दोस्तों है अरेंज। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे दो ऑप्शन इन ब्रिंग टू फ्रंट सेंड टू बैक
और ग्रुप और रोटेट, ये सभी हमारे ऑप्शन देख रहे हैं आप यहाँ पे हाइड हुए हैं, बाकी दो ऑप्शन आपके सामने हैं जो एक्टिव हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमको क्या करना है, आपको सिंपल से यहाँ से एक ऑब्जेक्ट लाइए, जैसे ऑब्जेक्ट में कोई भी, हाँ से लेता हूँ, जी हाँ दोस्तों। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लाया। अब इस ऑब्जेक्ट में आप देख सकते हैं ये शेप्स का इफेक्ट है, आप जैसा चाहें वैसा लागू कर सकते हैं। तो साथ ही साथ में दोस्तों ये हमारा इफेक्ट है, अब अलाइन ऑब्जेक्ट हमारा हो गया, ग्रिड में रोटेशन भी कर सकते हैं आप जिस दिशा में रोटेट करना चाहते हैं, जिस एंगल रोटेट करना चाहते हैं उस एंगल में आप रोटेट कर सकते हैं। बट दोस्तों हमको यहाँ पे जिसकी रिक्वायरमेंट है मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसके लिए दोस्तों आप इंसर्ट में जाएंगे, उसके साथ ही साथ शेप्स का यूज़ करिए, बस उतना ही हमको ऑब्जेक्ट को आपने दोस्तों, मैंने इंसर्ट टैब के बारे में मैंने पिछले एपिसोड में जो आप डिस्कशन किया था उसमें भी हमने आपको बताया था। आज के इस एपिसोड में मैं पेज लेआउट के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं सेंट टू फ्रंट और सेंट टू बैक, साथ ही साथ में हमारे अलाइन ऑब्जेक्ट हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट जैसे एक से अनेक ऑब्जेक्ट लाते हैं तो आप वहाँ से सभी ऑब्जेक्ट को अलाइन करते हैं, साथ ही साथ ग्रुप और साथ ही साथ ही आप रोटेट भी कर सकते हैं जो बहुत ही कॉमन है। इसके लिए आपको सिंपल से आप यहाँ पे जैसे कि जो सीटें हैं आप ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है हमारा, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने टू ऑब्जेक्ट को लाया। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे ऑब्जेक्ट हुआ यहाँ पे। सभी हमारे ऑप्शन हाईलाइट हुए। इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना है, आप चाहते हैं कि हमने जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लाया, चलिए मैं कोई नेचुरल इमेज भर के आपको दिखाते हैं। इसके लिए हम इमेज पे जाने के बाद मैं यहाँ से एक इमेज लिया और बट यहाँ पे से हमारे जो सभी टेक्स्ट है वो हमारे हाइड हो गए। इसके लिए दोस्तों हमको सेंड टू बैक करना है, तो ये था दोस्तों हमारा पेज लेआउट टैब। हमने आपको रोटेशन का भी बारे में डिस्कशन किया, इसके लिए आपको सिंपल से दोस्तों वापस मैं उसी में जाकर दिखा रहा हूँ आपको, आप इंसर्ट टैब में जाएँ, यहाँ से पिक्चर आपने इंसर्ट किया और आप इस पिक्चर को किस तरीके से आप इंसर्ट करना चाहते हैं वैसा आप इंसर्ट करें इसको। देख लीजिए,
इस तरीके से आप रोटेशन भी कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को, और साथ ही साथ में आप इस ऑब्जेक्ट को क्रॉप भी कर सकते हैं, आप जितना जैसा चाहें वैसा क्रॉप भी कर सकते हैं। रोटेशन भी कर सकते हैं। तो आप देखें दोस्तों, इस तरीके से मैंने आपको पेज लेआउट के बारे में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी आपको दिया। दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारा नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।